दूध जलेबी खाने से जिस्म को ताकत मिलती है, जिस्म का दर्द दूर हो जाता है और ज़हनी तस्कीन हासिल होती है। अगर आपको मैदे की कमज़ोरी हो तो सागू दाना बनाकर सुबह शाम खा लें। चंद दिन इस्तेमाल करने से मैदा दुरुस्त हो जाएगा। लीमू के छिलके पर चीनी लगाकर होंठों पर रगड़ो, होंठों का कालापन ख़त्म हो जाएगा। अगर आप सोने से पहले शहद चाट लें तो आपको नींद अच्छी आएगी। रोज़ाना ग्रीन टी का एक कप पी लो, ये मैदे में गैस होने से रोकेगा। हर खाने से आधा घंटा कबल दो गिलास पानी पिए और खाने खाने के आधे घंटे बाद पानी पिए। मैदे की बीमारी करीब नहीं आएगी। अगर आपको भूख ना लगने का मसला हो या भूख लगने पर खाने का दिल ना करे तो ऐसे में गुड़ का इस्तेमाल करें। अमरूद मसाने की कमज़ोरी को दूर करता है, पेट के कीड़े ख़त्म करता है और खूनी बवासीर के लिए आबे हयात हैं। एलोवेरा का पानी नीम गर्म करके सर पर लगाने से सर का दर्द दूर हो जाता है। नहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत होते हैं। लहसुन के रस में नमक डालकर पीने से पेट का दर्द गायब हो जाता है। दांत में दर्द हो तो इलायची वाली चाय पियो। चने की दालें पीसकर अपने चेहरे पर लेप करो, दाने नहीं निकलेंगे। नीम गर्म पानी पीने वाले लोग हमेशा जवान नज़र आते हैं। रात को बार बार पेशाब आने का मसला हो तो रोज़ाना सेब खाया करो, पेट के कीड़े ख़त्म करता है और खूनी बवासीर के लिए आब हयात हैं। एलोवेरा का पानी नीम गर्म करके सर पर लगाने से सर का दर्द दूर हो जाता है। नहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत होते हैं। लहसुन के रस में नमक डालकर पीने से पेट का दर्द गायब हो जाता है। दांत में दर्द हो तो इलायची वाली चाय पियो। चने की दाल पीसकर अपने चेहरे पर लेप करो, दाने नहीं निकलेंगे। नीम गर्म पानी पीने वाले लोग हमेशा जवान नज़र आते हैं। रात को बार बार पेशाब आने का मसला हो तो रोज़ाना सेब खाया करो। अगर आप हमेशा तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो रोज़ाना एक उबला हुआ अंडा खाएं। अगर जिस्म पर कोई कीड़ा काट ले तो मुतासरा जगह पर मूली का रस लगाने से आराम आ जाता है। जो लोग मछली ज़्यादा खाते हैं वो दिल की बीमारियों में मुबतला नहीं होते। मछली का ज़्यादा इस्तेमाल सर्दियों में किया करें। ज़्यादा सोचने वाला इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। सूरह रहमान 11 मरतबा पढ़कर जायज़ हाजत के लिए दुआ करो, इंशाल्लाह पूरी होगी। अनार खाने से रंग सुर्ख होता है। जिस घर में खुश इखलाक औरत रहती हो वहाँ गुर्बत दरवाज़ा नहीं खटखटाती। पेट का दर्द हो तो सूरह फातह 3 मरतबा पढ़कर पेट पर दम करें, इंशाल्लाह दर्द ठीक हो जाएगा।